यहाँ किस लिए लाए हो मुराद? मुझे तैयार भी होना है रात के लिए। इसीलिए लाया हूँ, जिस चीज की जरूरत हो यहाँ से ले। क्यों? मुझे तो कोई चीज नहीं चाहिए। कोई नया ड्रेस, नए शूज वगैरह, या कुछ अम्मी के लिए लेना हो अगर, चल अंदर वेट कर रही है, हेल्प कर देती हूँ। समझी नहीं मैं। अरे तुम्हें कुछ पे नहीं करना होगा, जाओ। मुराद प्लीज ये मत करो। अवल तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, और अगर चाहिए होगा तो मैं खुद खरीद लूंगी। तुम गलत समझ रही हो मुझे, मेरा मतलब ये। तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। ठीक है, मैंने झूठ बोला था, मगर किसी मजबूरी में बोला था, तुम्हें बता चुकी हूँ। सब कुछ बस अचानक होता चला गया। हया, जो तुम समझ रहे हो, मैंने ऐसा नहीं सोचा। मैं अपनी फैमिली के हालात पर बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हूँ मुराद। मालूम है। तो ऐसा मत करो, ठीक है? सॉरी हया। आज डिनर पर तुम हयात उज़ैन की रियल फैमिली से मिलोगे। ग्रेस उनके एक माहीगीर उज़ैन की बेटी से, हशमत उज़ैन की पोती हयात से, बगैर किसी झूठ के, जैसी है वो मुराद। दिल लगा के करें। मुझे तुमसे बात करनी है। हमारे दरमियान बात करने के लिए कुछ नहीं बचा। करीम, तुम्हारा गुस्सा गलत नहीं, जानती हूँ मैं। जाहिर है किसी वजह से गुस्से में हो तुम, मगर दुरुक ने असली को आज फोन पर बताया कि तुमने जॉब छोड़ दी है। बेवकूफी है इतनी अच्छी जॉब छोड़ना। मैं खुश हूँ इस काम में, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। करीम, उल्टी सीधी बातें करके मुझे गुस्सा मत दिलाओ तुम। एपिक, गुजारिश है कि मुझे भूल जाओ और मेरा पीछा छोड़ दो। मैं अपने लिए बात करने नहीं आई हूँ यहाँ, तुम्हारी खातिर आई हूँ। खुशी के मौके पर अपने दोस्तों का अकेला छोड़ दोगे? हयात और मुराद तुम्हारे दोस्त है ना? करीम, ये बात दोबारा नहीं कहूंगी, ध्यान से सुनो। मैंने समझ लिया हमारा प्यार माजी का एक किस्सा था। मैंने उसे दिल में दफन कर दिया। सही किया ना मैंने? बिल्कुल सही किया। थैंक यू यार, किसी बात की तो तारीफ की तुमने। अच्छा, बस ये और कुछ कहना है? हाँ कहना है। इंसान कोई दरख्त नहीं जो किसी और जमीन में पनप सके। बेहतर लग रहा है, काफी सीरियस लुक है इसकी। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। जॉब इंटरव्यू पे पहन जाओ ना तो यकीनन डायरेक्टर की नौकरी तो दे देंगे तुम्हें, मगर होने वाली मंगेतर की फैमिली से मुलाकात के लिए हरगिज मुनासिब नहीं। आई थिंक ये ठीक रहेगा, मुझे बिल्कुल फिट है ये।
हाँ, जब फ्रेंड्स के साथ किसी रेस्टोरेंट में कॉफी पीनी हो तो बिल्कुल फिट होगा, मगर आज के लिए अनफिट है। नो वे। अच्छा, वो येलो वाला देना मुझे। येलो? ये वाला? यार बिल्कुल भी नहीं, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं। मुझे नहीं लगता कि ये कोई क्लासी ड्रेस है, बिल्कुल नहीं पहनना, सूट नहीं करेगा। कम से कम सर सलमान फैमिली के लिए तो हरगिज नहीं। सो कैंसिल हो गया। लड़की, तुमने हाथ में डायमंड रिंग पहनी होगी और उस बड़े शानदार होटल में तुम्हारा डिनर होगा, ये ड्रेस पहनोगी तो? बस करो यार, बहुत हो गया। मैं किसी ब्यूरोक्रेट की बेटी नहीं हूँ, जो हूँ जैसी हूँ वैसी ही दिखूंगी ना। प्यार जाए तो किसी की सुनती ही कहाँ है। एमली, क्या तमाशा है, क्या लगाया हुआ है सर पर? क्या लगाया हुआ है? कहीं से चिड़िया का घोंसला उतार कर तुम्हारे सर पर लगा दिया है किसी ने। अरे बाबा जी, ये आपको घोंसला लग रहा है? स्टाइल है, पॉर्लर से बनवाया है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगर रास्ता पक्का ना हो तो इसमें चिड़िया पाल लेना तुम। आप भी ना बस। और घंटा भर हो गया और तुम्हारी स्त्री के नखरे नहीं खत्म हो रहे। लाओ बस दे दो। अभी सिलवटे हैं। हाँ तो सिलवटे कोई काट नहीं लेंगी मुझे, मैं जा रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं बाबा? एक बहुत खास जगह जा रहा हूँ। खैरियत तो है दादी, तबीयत खराब है? नहीं तो तबीयत बिल्कुल ठीक है, तुमने क्यों पूछा? देखे ना, जिस दिन का इंतजार था वो आ गया। भाई की दुल्हन से भी मिलनी फिर भी खुश नजर नहीं आ रही है, बस इसीलिए पूछ रहा हूँ। असल में तुम्हारे बाबा खुश दिखाई नहीं दे रहे। क्या हो गया निजात, चुप क्यों बैठे हो? मुराद जल्दबाजी में ये फैसला ले रहा है अम्मी जान, उजलत का फैसला है। वो लड़की क्या काबिले एतबार है? मुराद ने कुछ सोचा समझा ही होगा आखिर। ठीक है, मगर वो किस तरह के लोग हैं? उस लड़की का खानदान क्या है मालूम नहीं, क्या तालीम है उसकी, क्या तरबियत है, ये जानना क्या जरूरी नहीं हमें? ये बातें तुम्हारे दिल की बातें नहीं है निजात, तुम अपनी बीवी की जबान बोल रहे हो। हाँ भाई बहू बेगम, तुम मियाँ बीवी में तो इत्तेफाक नहीं हुआ ना इस रिश्ते से मुतालिक, तुम तो शायद नहीं चल रही हमारे साथ। इसका फैसला आप मत करें, जो मेरे दिल में आता है मैं वही करती हूँ। आश्क लफ्ज़ान लमा